तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। तो बेसिकली अगर आप इसमें देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में ऊपर जो है, ऊपर ऐसे ये देखो, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो कि ये पूरा एयरक्राफ्ट है वो 5.4 के, 5.4 × 10 की पावर 5 kg का, मतलब पूरे एयरक्राफ्ट का वेट, इस पूरे एयरक्राफ्ट, इसका बात आ रहा समझ में? तो पूरे एयरक्राफ्ट का वेट इतना है। द टोटल विंग्स एरिया, विंग्स कौन होता है? ये वाली जो टोटल विंग्स एरिया, ये वाली जो चीज़ है वो है। तो टोटल विंग्स एरिया भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इफ इट इज द लेवल विद द स्पीड, इट इज लेवल, मतलब लेवल जो है, ये लेवल स्पीड मतलब ऊपर की स्पीड जो है, लेवल इन लेवल स्पीड मतलब ऊपर से जो एयर पास हो रही है उसकी स्पीड, मतलब इस यहाँ पर जो ऊपर की स्पीड है इसको, उसको मैं V2 से डिनोट कर देता हूँ, और V2 की वैल्यू है 1080 किलोमीटर पर हावर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1080 3 × 5, ठीक है, 5 × 18 से इसमें डिवाइड कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है 300 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर का एयर जो V2 रिप्रेजेंट किया हूँ वो 300 मीटर पर सेकेंड से पास हो रही है विंग्स से। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी भी दिया हुआ है। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू लोअर सरफेस ऑफ द विंग परसेंटेज। तो जो अपर सरफेस ऑफ विंग्स क्या है भाई, जो ये जो है, जो देख रहे हो अपर सरफेस है, ये जो है दिस इज द अपर सरफेस, इसका क्रॉस सेक्शन, यहाँ से काटूँ, यहाँ से मैं विंग्स को काटूँ तो ये ऐसे दिखेगा। तो अपर सरफेस ये ऊपर है और लोअर सरफेस जस्ट ये नीचे, ये वाला लोअर, ये वाला इससे पास हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये लोअर, तो लोअर में जो एयर ऐसे आ रही है लोअर, वो तो उसकी स्पीड में V1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, इस पूरे फ्लाइट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वेट mg, बात आ रहा समझ में? तो इस वेट mg को मेरे भाई बैलेंस कौन करेगा? सिंपल सी बात है, इस वेट mg को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो ऊपर में फोर्स आना चाहिए। इस वेट mg को, एक मिनट, ये जो वेट mg है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड ये mg लग रही है, इसको वेट ऊपर बैलेंस कौन करेगा? तो बैलेंस जो करेगा वो जो एयर है उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो फोर्स, वे फोर्स डेल्टा प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द सरफेस एरिया, जो अपर वाले हैं ये सारे। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल विंग्स सरफेस, जो विंग्स की सरफेस एरिया ऊपर वाली, ये वाली जो विंग्स की सरफेस एरिया है, और ऐसे उधर भी है, तो ये तो सिंपल सी बात है, वेट mg को एयर का जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स है वो बैलेंस कर रहा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ ऊपर में, तो ऊपर में जो फोर्स लगा वो लगा प्रेशर डेल्टा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए, और नीचे में इस पे जो फोर्स लग रहा वेट mg, तो यहाँ पे डेल्टा प्रेशर पी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए इज इक्वल टू वेट mg। फ्लाइट उड़ता कैसे है भाई? ये जो वेलोसिटी v1 है और ये जो वेलोसिटी v2 है, तो ऐसे तुम देखोगे ऊपर से ऐसे प्रेशर लग रहा होगा और नीचे से जो है वो ऐसे लग रहा होगा, लेकिन नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। नीचे वाला प्रेशर p1 है, ऊपर वाला प्रेशर p2 है, तो p1 मस्ट बी ग्रेटर देन p2, तभी तो नेट ऊपर आएगा, तो नेट प्रेशर ऊपर तभी तो आएगा, p1 - p2। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, डेल्टा पी की वजह से फोर्स का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, बर्नौली थ्योरम पढ़े हो, वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी v1 < v2, आई होप कि अब ये सबको पता होगा आपको। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो है कितना, तो mg मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। तो अब देखोगे तो डेल्टा पी mg, मास देखो कितना था, तो 5.4 × 10 की पावर 5, और जी की वैल्यू 10, और एरिया क्रॉस सेक्शन, तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर तुम देखोगे, नहीं एरिया क्रॉस सेक्शन है पूरे विंग्स की एरिया, तो 500 मीटर, ये वाली चीज़। तो जब इसको तुम काटोगे तो देखो कितना आ रहा पूरा, ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो प्रेशर है तुम कर लेना, तो 1080 इतना पास्कल आ जाएगा, ठीक है, 10,800 पास्कल, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। चलो अब एक काम करना है, विंग्स के अपर टॉप सरफेस पे और लोअर सरफेस पे बर्नौली थ्योरम लगा देना है, ठीक है, बट क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ से, ठीक
क्योंकि जैसे ही बर्नौली थ्योरम लगाओगे तो वहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बर्नौली थ्योरम ऑन टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ विंग, तो जो विंग की टॉप और बॉटम सरफेस पे उस पर बर्नौली थ्योरम लगाओ तो प्रेशर पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट होता है, ये बर्नौली थ्योरम है। तो जब हॉरिजेंटल सरफेस है तो ये वाला फ्रैक्शन चेंज जीरो आ जाता है जब लिखते हैं तो कट के, तो यहाँ टॉप सर लोअर पे लिखोगे तो यहाँ पर पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से पी वन माइनस पी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर यहाँ से। तो और ज़्यादा इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो यहाँ से जो डेल्टा पी आ जाएगा, डेल्टा पी वो आ जाएगा हाफ रो, और यहाँ से बी टू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बी टू अपॉन बी वन का होल स्क्वायर और माइनस वन यहाँ बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो 10800 और हाफ, एयर की डेंसिटी देखो, एयर की डेंसिटी 1.2 और वेलोसिटी और बी टू का स्क्वायर हमें चाहिए, और यहाँ से वेलोसिटी बी टू, चलो तो यहाँ से बी टू अपन बी वन का होल स्क्वायर और माइनस वन। तो कुल मिला के अब इसको सॉल्व करोगे बेसिकली, तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, हाँ यहाँ से इसको कैलकुलेट करो तो बी टू अपन बी वन का होल स्क्वायर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10800 इंटू टू डिवाइडेड बाई 1.2 एयर की डेंसिटी, और ये आ जाएगा 300 का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर, और ये प्लस वन। तो यहाँ से जब पूरा सॉल्व करोगे तो बी टू अपन बी वन की जो वैल्यू आती है और 1.096 आ जाती है, तुम सॉल्व कर लेना इसको। अब हमें परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज निकालना ये क्या है कि बी टू अपन बी वन फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए बी टू अपन बी वन माइनस वन कर देता हूँ, तो यहाँ से माइनस वन कर, तो 1.096 माइनस वन करोगे तो 0.096 यहाँ से आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा डेल्टा वी अपन बी वन, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 9.6% या अप्रॉक्सीमेटली 10% के आई वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। तो अगर इसमें तुम देखोगे तो ये कितना है, तो हम लोगों का जो अच्छा खासा ऑप्शन इसमें से दिख रहा है वो प्यारे बच्चों फोर्थ मैच कर रहा है ये सारी चीज़ें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।